लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देश में और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद राजनीतिक दलों के द्वारा भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हमारे साथ जो शख्स अभी मौजूद हैं वो घोसी विधानसभा सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह। वही सुधाकर सिंह जिन्होंने दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में हार का सामना करवाया था। सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव विधायक जी किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे होंगे जो जनता के बीच जाकर आप लोग उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, या जनता किस तरह की मांग कर रही है, क्या उसकी प्राथमिकताएँ हैं। जब औरतें चावल बनाती हैं तो भदेली भात नहीं डालती हैं, केवल एक चावल निकाल करके पहचान लेते हैं कि चावल पका है कच्चा। तो नतीजा अब एक चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब नतीजा देख चुके हैं, यही परिणाम पूरे प्रदेश में आएगा। घोसी का जिक्र कर रहे हैं जो उपचुनाव हुए जी। घोसी चुनाव जब हुआ उसके पहले तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन भी छोड़ा था और अब कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं, तो उसका कुछ असर देखते हैं आप? आने वाले जाने वालों से कोई पार्टी पर असर नहीं पड़ता है। चौधरी चरण सिंह इस पार्टी के नेता थे बहुत पहले, उन्होंने एक दिन मधुली मैज आज फर्नांडिस कर्पूरी ठाकुर कुम्भार अमार कल्याण जैन दौलत राम शरण हुकुम देव नारायण राज नारायण चंजीत यादव राम नरेश यादव मणि राम बागड़ी भीम सिंह दैया राम संजीवन सिंह रामविलास पासवान को निकाल बाहर कर दिया, पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। ये लोग जो चले गए उनसे कुछ नहीं है, मतलब जो गया अपनी जिंदगी बर्बाद करने गए हैं, सब अपने भी बर्बाद होंगे, उनका परिवार भी बर्बाद होगा भविष्य में। कहे मंत्री तो बना दिए गए थे ना, जब भाजपा जो जनता के बीच 45,000 बीच से हारे अंतराल से और हारे हुए व्यक्ति को मंत्री बना दे MLC बना दे, तो आप सोच लीजिए कि भाजपा के पास कौन व्यक्ति बचा है जो हारने वाले को ही ले आकर के मंत्री बना रही है, उसके पास बचा क्या है? क्या भाजपा में लोग नहीं थे MLC बनने लायक और मंत्री बनने लायक? किसको बना देते, उनकी पार्टी है, अब उनकी पार्टी में शामिल हुए तो बना दिया। उनकी पार्टी में तो हजारों लोग हों, क्यों नहीं बना देते? ज्यादा लोग बन भी तो नहीं सकते थे, 53 लोग थे CM को, जरूरी था उनको बना देना। हम तो खैर प्रसन्नचित हैं कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जो हमसे हारा है वह उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है और विधान परिषद सदस्य है, और भारत का एक भी दल नहीं बचा है जो जिसमें वो गया ना हो और दोहरा ना रहा हो। क्या पता सत्ता में रह के कुछ भला कर दे जनता का। जो 25 वर्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, यदि एक हैंडपाइप नहीं लगवा पाया तो कल क्या कर देगा। पुराने नेता हैं आप समाजवादी पार्टी के, 1996 में पहली बार विधायक बने थे। विचारधाराओं की अगर बात करें तो वर्तमान समय में PDA का नारा बुलंद कर रहे हैं अखिलेश यादव, कितना कारगर साबित होगा? मैं PDA हूँ, अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है, और मैं किस में आता हूँ? आप तो जनरल में हैं। तो अखिलेश यादव सबका सम्मान करना जानते हैं, सबका सम्मान करेंगे और सभी लोग उनको मतदान करेंगे। भाजपा के लोग भी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भाजपा के लोग, नहीं कर रहे हैं क्या? मैं 1975 में इंदिरा गांधी ने मुझको आपातकाल में बंद किया था, मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, और मैं पूछ दूँ कि राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा और राष्ट्र के पर समर्पित है, मैं आपसे क्वेश्चन कर दूँ कि भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता का नाम बता दीजिए जो आज़ादी की लड़ाई में जिल गया हो, तो आज यही विधानसभा से इस्तीफा दे दूँगा। यदि अटल जी गए हों, आडवाणी जी गए हों, और चाहे मुरली मनोहर जोशी गए हों, और चाहे भागवत जी गए हों, चाहे श्री राम गए हों, नाम बताइए एक का जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गए हैं और देशभक्त बन गए हैं। इमरजेंसी के दौरान तो सपा के कई नेता गए। मैंने कहा कि आपातकाल के आज़ादी की लड़ाई में कहा हूँ। अच्छा, आज़ादी की लड़ाई, आपातकाल में तो दराती का पकड़ा के लीजिए तो सब गरीबे कह लीजिए। हाँ, घोसी की जनता क्या चाह रही? घोसी की जनता, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, नौजवान नौकरी चाहता है, तो जब इन्होंने आकाश पाताल 9, 3, 14 भुवन को बेच दिया, कुछ इनके पास है ही नहीं, तो नौकरी कहाँ से देंगे। चल, निर्वाचन आयोग की कल PC सुनी थी आपने? सुन रहा था, देख रहा था। क्या लग रहा था?
अरे भाई निर्वाचन आयोग उन्हीं का बनाया हुआ है कि अलग से आया है, किसी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, सिक्किम, भूटान से आया है। एक शायरी बोले थे, सुना था क्या? शायरी में बोले थे कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं उनको ये भी तो देखना चाहिए कि उनके प्रत्याशी भी जीतते हैं। शायरी के मूड में बोला, ठीक है, बोल रहे थे। स्वतः संग्राम सेनानी की बात तो खत्म कर दीजिए, लोकतंत्र सेनानी उसके बाद हुआ है क्या? गुजरात से ही वो लोकतंत्र सेनानियों का मामला उठा था, चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने बिगुल बजाया था। क्या मोदी जी आपातकाल में जेल गए हैं? इसी आपातकाल में स्वतः संग्राम सेनानी तो छोड़िए, जो आपातकाल के भी बंदी न रहे हों उनकी बात पर आप क्या भरोसा करेंगे? क्या झूठ बोल रहे हैं? हम क्यों कहें, असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर कोई मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि भाजपा ने भुनाया है राम मंदिर के मुद्दे को? राम हमारे इष्ट देवता हैं, और कोई भी व्यक्ति दुनिया में जहाँ होगा भगवान राम की पूजा करता है, उसके ठेकेदार ये कहाँ से बन बैठे हैं? जब भगवान कणकण में छाया हुआ है तो उसके ठेकेदार ये कहाँ से टेंडर ले लिए हैं? कौन को टेंडर दे दिया है? सरकार में है, अब टेंडर क्या लेंगे? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन इनको टेंडर दिया? वो तो कड़कड़ में व्याप्त हैं भगवान राम, आप हम में, तुम में, राम खम में, सब में है भगवान राम, वो तो सबके हैं, ये कोलवारी का थोड़े होते हैं किसी के। चुनावी तो माता रानी, चुनावी तो जितना आशीर्वाद हम लोग को देंगे वो भी, वो तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तुमको आशीर्वाद कम मिलेगा। नहीं तो अब तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी। अरे 400 रुपया किलो की बात हो रही है, वो पार की नहीं बात हो रही है, महंगाई पर वो 400 रुपया किलो की बात हो रही है। अच्छा, यूपी की राजनीति में आपका लंबा सफर रहा है, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से असर डालेगा? यूपी और दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होके जाता है, यूपी बिहार गया तो फिर दिल्ली गई है, तब यही समझ जाइए भी यूपी बिहार में कोई इनका कुछ आता पता नहीं है, कहीं कोई पता होता नहीं। आपके हिसाब से यूपी में कितनी सीटें आप लोग अनुमान कर रहे हैं? करेक्ट गणना तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ एक लक्ष्य तो लेकर चल रहे होंगे। वो लोग तो कह रहे हैं 80 पूरी हम यूपी में जीत लेंगे, तो क्या विपक्ष जीरो पे रहे? उत्तराखंड नहीं बढ़ता तो और बढ़ा देते, वो 85 बता देते, लेकिन अब उत्तराखंड बढ़ चुका है तो गणना वही बता सकते हैं, लेकिन ये तो नतीजा बताएगा। तो ये सुधाकर सिंह जी हैं जो घोसी विधानसभा सीट से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी में लंबे समय से कार्यरत हैं, तमाम तरह की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से बीते दिनों घोसी की विधानसभा सीट पर नतीजे आए थे, ठीक उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नतीजे आएंगे और इंडिया गठबंधन की 2024 में सरकार बनेगी। हालांकि जिस तरह से इनका दावा है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए को कितनी सीटें मिलती हैं और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।